तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि कौन सा चैनल है जो मोनेटाइज होगा और कौन सा चैनल है जो डेमोनेटाइज होगा। डेमोनेटाइज मतलब कि जिसका मोनेटाइजेशन नहीं होगा, और कौन सा चैनल है जो मोनेटाइज होगा और कौन सा चैनल है जो मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैं पूरा डिटेल देने वाला हूँ, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा चैनल को लाइक, और यार सब्सक्राइब बटन एकदम ज़ोर से दबा दो, और यार कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ओके, तो यार प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाली है। और मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा चैनल है जो मोनेटाइज होगा, पहले ये बता देता हूँ। ओके, देखो भाई, आप मतलब कि मैं जैसे आपके मतलब कि मैं कैसे मतलब जैसे मैं आप मतलब कि मैं अभी आपके सामने मतलब कि कुछ भी देख रहे हो, पीछे में नहीं है, मैं जैसे मतलब कि अपना वीडियो है जो खुद बना रहा हूँ, वैसे आपको भी खुद अपना है वीडियो बनाना है। ओके, ये है जो चैनल आपको जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा। ओके, और यार किसी का भी आपको बैकग्राउंड में मतलब कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो बैकग्राउंड में किसी का सॉन्ग नहीं रहना चाहिए। और देखो भाई, अभी मतलब कि क्या होता है कि आप जहाँ पे वीडियो बनाते हो वहाँ पे कुछ ऐसा भी जगह होता है जहाँ पे पीछे से गाना बजते रहता है या अगल बगल में गाना बजते रहता है, तो यार आपको नोटिस करना है कि वो मतलब गाना है जो आपके वीडियो में नहीं है, नहीं तो आपका चैनल है जो मोनेटाइज हो जाएगा लेकिन कॉपीराइट क्लेम आने का चांस है। अब कॉपीराइट क्लेम क्या होता है तो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है तो आप जानकारी ले सकते हो। ओके, और मैं और आपको बताता हूँ कि देखो, आप किसी भी मतलब कि मूवी का वीडियो है जो वीडियो मतलब किसी भी मूवी का वीडियो पे आप मतलब कि फनी बनाते हो, कॉमेडी टाइप का बनाते हो, तो उसका भी आपका चैनल है जो मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन कैसे मोनेटाइज होगा वो भी मैं बता देता हूँ। देखो यार, कोई भी सीन होता है जो कोई भी सीन का है जो एक 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 सेकेंड एक सेकेंड दो सेकेंड या तीन सेकेंड या समझो 5 सेकेंड तक ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, उसके बाद यूज नहीं करना, नहीं तो यार कॉपीराइट क्लेम आने का चांस रहेगा और आपसे वो चैनल हो कॉपीराइट क्लेम रहेगा तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और यार वो लोग हैं जो क्या करते हैं, ब्लॉक भी कर देते हैं, कंटेंट आईडी मिलता है तो ब्लॉक भी होता है। तो आप मतलब कोई भी मूवी का सीन लेकर मतलब कॉमेडी बनाते हो, फनी बनाते हो, तो वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन यार कुछ कुछ सावधानी से बनाना कि आपका मतलब कि ज़्यादा आप उसका यूज नहीं करना, कुछ कुछ मतलब कहीं कहीं से उठाकर कहीं कहीं मतलब डालना और फनी बनाना, तो ये चैनल है जो मोनेटाइज हो जाएगा। और बात रहा कि देखो, आप मतलब कि स्टोरी वीडियो बनाते हो, स्टोरी वीडियो तो जानते हो, स्टोरी वीडियो में यार बहुत मतलब कि सॉन्ग यूज होता है, तो आप स्टोरी वीडियो बनाओ तो वो भी चैनल मोनेटाइज होगा। ओके, तो वो चैनल मोनेटाइज होगा लेकिन इन यार उस पर तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो कॉपीराइट क्लेम आता है तो कोई टेंशन नहीं भाई, आपको उस टाइप का वीडियो बनाओगे तो आधा पैसा आपके पास आएगा और आधा पैसा कॉपीराइट क्लेम वाले के पास जाएगा। अगर आप सॉन्ग पे वीडियो बनाते हो, स्टोरी वीडियो सॉन्ग पे बनाते हो, तो या तो अपने मतलब कि पूरा अपना ही आवाज़ और अपना ही वीडियो बनाते हो तो आपका पैसा है जो आप ही के पास पूरा आता है। अब आता है बात कि डांस चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। देखो भाई, आप भी डांस करते हो, डांस का चैनल है आपका, आप भी सॉन्ग यूज करते हो, तो यार आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हैं यार मोनेटाइज कैसे होगा, मैं भी तो सॉन्ग यूज करता। यार आपका सॉन्ग है, देखो आपका सॉन्ग तो आप किसी का लेते हो, किसी और का वीडियो तो आप अपना बनाते हो, तो आपका चैनल है जो मोनेटाइज हो जाएगा। बस उस पर है जो आपको इनकम भी होगा, तो इनकम मतलब कैसे होगा, आधा आपके पास आएगा और आधा चला जाएगा उस सॉन्ग वाले पास। ओके, और यार आप देखो कोई भी वीडियो बनाओ तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि किसी का भी वीडियो अपने चैनल पर डाउनलोड कर नहीं डाल देना, अपने चैनल पे किसी का वीडियो डाउनलोड कर अपने चैनल पे नहीं डाल देना, ऐसे जो आपका चैनल जो मोनेटाइज कभी नहीं होगा। और यार आप अगर मतलब कि वीडियो डिलीट भी कर दियो या वीडियो कुछ प्राइवेट भी कर दियो या कॉपीराइट क्लेम आ गया है या कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, यार देखो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए भी मेरे पास वीडियो है तो आप जाकर देख सकते हो, और आपके मतलब कि वीडियो डिलीट कर दियो तब भी आपका जो चैनल आप अच्छी तरीके से वीडियो बनाते रहो और आपका चैनल जो मोनेटाइज हो जाएगा। ये मत ध्यान रखना कि यार वीडियो डिलीट कर दिया चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, तो होगा आपका चैनल मोनेटाइज। ओके, अब बात आता है यार कि कौन कौन सा चैनल है जो मोनेटाइज नहीं होगा। देखो भाई, देखो जब आप डीजे सॉन्ग बनाते हो तो यार डीजे सॉन्ग वाले तो चैनल मोनेटाइज होगा ही नहीं। मैं खुद डीजे सॉन्ग पहले बनाता था तो यार उसका भी है जो चैनल डेमोनेटाइज कर दिया गया, चैनल मोनेटाइज नहीं होता है डीजे सॉन्ग वाले का।
और मैं बात आपको बताता हूँ, आप किसी का भी वीडियो अपने चैनल पे डाउनलोड करके डालोगे तो भी चैनल है जो मोनेटाइज नहीं होगा, कभी नहीं मोनेटाइज होगा। तो प्लीज़ अपना खुद का कंटेंट में बनाओ वीडियो, जैसे मैं अभी आपके सामने मतलब बोल के बना रहा हूँ, औसा में वीडियो बनाओ तभी आपका है जो मतलब कि वीडियो है जो अच्छे तरीके से बनेगा और चैनल मोनेटाइज होगा। यार अगर आप अब मतलब कि रिव्यू भी देते हो किसी ऐप्स का, यार रिव्यू ऐप्स का देने से पहले आप मतलब कि कुछ शुरू में बोल देना कि हाँ भाई मैं आपके सामने कुछ ऐसा ऐप चलाने वाला हूँ, ऐप्स का रिव्यू देने वाला हूँ, मतलब कि एक मिनट कम से कम आप उसके बारे में बोलना सामने में आकर, जैसे मैं अभी आपके सामने आकर बोल रहा हूँ, तब वो ऐप्स का रिव्यू देना। या वेबसाइट का क्यों नहीं दे रहे हो, वेबसाइट का भी दे रहे हो तो एक या दो मिनट ज़रूर उसके बारे में कुछ बताना कि हाँ भाई फलना फलना का वेबसाइट में बताने वाला हूँ, ये करो ये वो करो तो ये होगा ये होगा, ओके। और भाई आप डांस का भी वीडियो है तो डांस का यार, तो आपको डांस का वीडियो में भी शुरुआत या अंत में भी आपको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कर दो लाइक सब्सक्राइब कमेंट, ये आपको बोलना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ अपना भी कंटेंट डालो यार। और यार आप भी मतलब कि ऐसे तरीके से वीडियो बनाओ तो आपका भी यार जो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर और कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट आप मतलब कि आप कमेंट करो और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर 100% है रिप्लाई दूंगा, ओके। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब लाइक और कमेंट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अलविदा टाटा बाय बाय, थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।